Hello everyone, welcome back to another video. So this video is all about Australia visitor visa. So कोई भी कहीं भी बैठा है सबके लिए ये वीडियो है. आप ऑस्ट्रेलिया का विस्टर वीजा अप्लाई करते हैं तो अभी के लिए, क्योंकि देखो मैं जो बताऊंगा वो रियलिटी ही होती है. आपने अगर रेगुलर चैनल को फॉलो करते हो तो जो चल रहा है मैं आपको वही बताऊंगा, और मैंने आपको वैसे नहीं बताना जी. बहुत बहुत अच्छा हो गया. जब बहुत अच्छा होगा तब बहुत अच्छा कहेंगे. राइट नाउ ट्रेंड की बात कर लेंगे और कौन लोग हैं, किनको अप्लाई करना चाहिए स्टिल ऑस्ट्रेलिया का वीजा इस टाइम के ऊपर, उस बारे में वीडियो रहेगी. चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले, बहुत सी वीडियो ऑस्ट्रेलिया वीजा के रिगार्डिंग है. कोई क्वेश्चन होता है आप मैसेज ऑन इंस्टाग्राम और कमेंट में भी पूछ सकते हैं. डिटेल में डिस्कस करना है तो आप ऑन कॉल सर्विस भी ले सकते हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो आज की डेट में सबसे पहले, क्योंकि मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में कहा था, ट्रेंड कोई बहुत अच्छा नहीं है. देखिए रियलिटी है कि ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड कोई अच्छा नहीं है. प्रोसेसिंग टाइम काफी लो चल रहा है, ऑनलाइन जो भी लिखा हो स्टिल 4 दिन में 5 दिन में. तो ये भी हो सकता है कि आप मंडे को फाइल लगा रहे हो, फ्राइडे तक आपका रिजल्ट आ जाए. इतना फास्ट ऑस्ट्रेलिया वीजा का. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली स्पॉन्सर स्ट्रीम, वो अलग कैटेगरी होगी, इसमें टाइम लग रहा है. लेकिन नॉर्मल आप इन्विटेशन पे या होटल बुकिंग पे वीजा लगा रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो 5 दिन 10 दिन 15 दिन में आराम से आ रहा है मैक्सिमम एप्लीकेंट का. लेकिन ट्रेंड को इतना ज्यादा फेवर में नहीं है. तो यहाँ पे पहली एडवाइस मैं कुछ एडवाइस दूंगा, नोट कर ले. जो तो होटल वाले लोग हैं जो होटल बुकिंग पे लगा रहे हैं, देखो आप, मुझे पता है कि बढ़िया टाइम है, क्रिसमस न्यू ईयर के हिसाब से आपको अप्लाई करना चाहिए. बट मेरी एडवाइस है कि अगर आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है तो अगले 2-3 वीक वेट कर लो. जो होटल वाले हैं, देखिए होटल वालों का ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव की तरफ है. फिर भी जो फैमिली वाले हैं, मतलब किसी के, देखो मैं पेरेंट्स को इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा, तो पेरेंट्स इस चीज को सीरियस ना ले. जो पेरेंट्स है उनका ट्रेंड ठीक है, वो इग्नोर करें इस चीज को कि हाँ अभी नहीं अप्लाई करना. तो आपके बच्चे हैं, आपको इनविटेशन दे रहे हैं, आपको अप्लाई कर सकते हो, आपको इश्यू नहीं है. यही अगर कोई नॉर्मल इनविटेशन पे भी लगा रहा है तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि आप भी अपनी जो एप्लीकेशन है वो लगा सकते हैं. कैटेगरी देखो 2 तरह की होती है एप्लीकेट की. एक होते हैं जो 50 अबव वाली कैटेगरी, जो ज्यादातर पेरेंट्स ही होते हैं, जहां कोई वैसे कोई जॉब कर रहा है, घूमने फिरने के लिए जा रहा है. ये कैटेगरी वालों के लिए ट्रेंड नेगेटिव पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है. इवन आपके केसेस में होटल पे भी वीजा आते, लेकिन होटल पे लगाना तो मैं सजेस्ट करूंगा अक्टूबर में वेट कर ले, नवंबर में लगाना. अगर वैसे फैमिली केसेस हैं, इनविटेशन है, तो आप चाहे दोस्त आपको इनवाइट कर, आपका फ्रेंड है, आपका कोई भांजा है, भतीजा है, कोई भी है, वो आपको इनविटेशन, चाहे वो स्टूडेंट वीजा के ऊपर यहाँ पे है, वर्क परमिट के ऊपर है, पीआर है, वो आपको इनवाइट कर सकता है. और आपका सक्सेस रेट बहुत अच्छा चल रहा है, कोई डरने वाली बात नहीं है. आपको भी 2-3 दिन में रिजल्ट आ रहा है, लेकिन वीजा आ रहा है. लेकिन जो 50 से बिलो है, ज्यादातर जो 40 से बिलो है, ऐसी कैटेगरी वाले जो एप्लीकेंट है जो होटल पे लगा रहे हैं, आप थोड़ा सा होल्ड कर ले 2-3 वीक फाइल को, मेरी जो एडवाइस है, उसके बाद लगाएं, शायद ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो. लेकिन अगर आप इनविटेशन के ऊपर हो तो आपके लिए जो ट्रेंड है ना, आप 2-3 वीक बाद ही आप अप्लाई करें, आपके लिए ट्रेंड है वो ठीक ठाक वाली रेशियो में है. देखो मैं एग्री करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की इतनी ज्यादा फाइल लग रही है, वीजे भी आ रहे हैं डेली बेसिस के पे, आ रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर ही आ रहे हैं. मेरे लिंक में भी काफी एप्लीकेंट हैं जिनको वीजे मिले हैं, लेकिन वो रेशियो जो है वो कम है. जो पहले नॉर्मल होता था ना, क्योंकि इस टाइम इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, बहुत से लोगों के आते हैं जिनकी हाल ही में रिफ्यूजल आई, अभी अप्लाई किया था, तो रिप्लाई करना है, कब अप्लाई करें. तो जो भी रिप्लाई वाले हैं, फाइल पे वर्क करना स्टार्ट कर लो. फाइल लॉजमेंट के लिए 2-3 वीक का भी वेट कर लो, कोई जल्दबाजी मत करो. जहाँ होटल वाले स्पेशली, जहाँ यंग एप्लीकेंट है या एवरेज फाइनेंशियल वाले हैं, तो आप 2-3 वीक अपनी फाइल्स को होल्ड करो, फाइल की प्रेपरेशन कंटिन्यू रखो. क्योंकि क्रिसमस न्यू ईयर का जो प्लान है, ये भी एक मजबूरी है कि वो क्रिसमस न्यू ईयर तो वही आएगा 25 और 1 जनवरी जो बनेगा, तो उसी के बीच में ही ट्रेवल प्लान बनना है. तो इसके लिए जल्दी से जल्दी अगर लगाना है या लेट टू लेट लगाना, तो हर हाल में अक्टूबर एंड या नवंबर में तो आपको लगाना ही पड़ेगा. कोई पता नहीं होता 30 दिन लग जाए, 40 दिन लग जाए, हालांकि अभी नहीं लग रहे, बट आपको बैकअप के हिसाब से ही चलना पड़ेगा. तो वो तो कुछ कर नहीं सकते. हो सकता है अगर ट्रेंड पॉजिटिव हो जाएगा मैं वीडियो बना दूंगा, आप मेरी वीडियो की वेट कर लेना. नहीं तो इन्विटेशन वाले हैं वो कंटिन्यू करें अपना अप्लाई करना. पेरेंट्स कभी भी अप्लाई करें. जो नॉर्मल इन्विटेशन यंग एप्लीकेंट है, रिस्क कैटेगरी वाले हो, तो आप 2-3 हफ्ते वेट करके, 2-3 वीक का वेट करो, उसके बाद मतलब अक्टूबर मिड के बाद अपनी अपनी फाइल जो है वो लगाने का जो है वर्क का वो आप कर सकते हो. मतलब अभी 1-2 वीक मैं कहूंगा कि होल्ड कर लें. कारण कई हैं इसके. हो सकता है कि हाई कमीशन को इंस्ट्रक्शंस गई हुई है, कई बार इनका इंटरनल सिस्टम होता है, मुझे इतना नहीं पता होता उस चीज के ऊपर, तो लेकिन वो रिजल्ट में दिखता है. तो इंडिया एप्लीकेंट जब फाइल लगा रहा है, फाइल दिल्ली जा रही है, आप रिफ्यूजल पे नाम देखना, आपके मेरे जैसे नाम ही उस पे होंगे. और रीजन भी आप देखोगे ना, 3 लोग आपस में अपना रिफ्यूजल लेटर सामने रख लेना,
तीनों का आपस में शायद 80% या उससे ज्यादा मैच कर रहा होगा। तो मतलब कुछ स्पेसिफिक केस स्पेसिफिक रीजन नहीं दिए जा रहे, कॉपी पेस्ट वाले रीजन दिए जा रहे हैं। तो ऐसा तभी होता है जहां तो AI सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहा है, ऑफिसर बस बाद में एक बार सिंपल रिव्यू करके दे रहा है, या उनको इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी टूरिज्म अच्छा चल रहा है और अभी इतने ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक चल रहा है तो क्या क्या जरूरत पड़ी है। तो जो उनको लगता है एप्लीकेंट जो हाई रिस्क वाले हैं उनको कोई बात नहीं, रिफ्यूज करते चलो, शायद इनका ये भी कारण हो सकता है। एप्लीकेशन को मुझे लगता है एप्लीकेशन कम करने को लेके इन्होंने कुछ चीजें मुझे लगता है कि इंटरनली इनके सिस्टम में चल रही है, क्योंकि ये हिंट मिलते हैं कई चीजों से। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा लग रही थी, एम्बेसी फीस ऑलमोस्ट 150 थी, उसको एकदम से $40 बढ़ा दिया, July 1st में बढ़ गई थी अगर आपको ध्यान में हो तो। एम्बेसी फीस बढ़ना भी कई बार बंदा अपना रिस्क कैलकुलेट करता है यार, 11-12 हजार एम्बेसी फीस होगी तो उससे भी फर्क पड़ता है एप्लीकेंट के ऊपर। उसके बाद ज्यादा ट्रेंड एक्टिव होता है तो भी एप्लीकेशन होल्ड पे होती है, लगनी कम होती है। तो शायद ये कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन का नंबर है उसको कंट्रोल करने के लिए भी ये चीजें कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर क्योंकि हम वैसी नहीं है, हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो जब ट्रेंड इस हिसाब से चल रहा है तो जो होल्ड करने वाली कैटेगरी है वो अपना केसेस होल्ड करें। बाकी पेरेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि आप अप्लाई करते रहें, राइट टाइम की जब बात करते हैं ना, देखो क्रिसमस न्यू ईयर यही राइट टाइम होता है जब आपने घूमने फिरने के लिए जाना होता है या छुट्टियां वगैरह होती हैं, तो पर्पज ऑफ विजिट भी हाईएस्ट जो है लोग यही यूज करते हैं और सालों से यूज करें, और इसके पे वीजा ट्रेंड जो है वो ठीक रहता है। अभी के लिए ऑस्ट्रेलिया का ठीक नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नवंबर से जो रिजल्ट आने स्टार्ट होंगे ना, जो फाइल्स मतलब अक्टूबर मिड के बाद लगेंगे जिनके रिजल्ट नवंबर में आने हैं, तो मुझे लगता है कि सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन अभी पता नहीं है। अब ये फ्यूचर में पता चलेगा कि क्या ये कंटिन्यू रहता है ऐसे ही, जो कि चांसेस भी है कि ये कंटिन्यू रह सकता है, बट हो सकता है कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिले। अगर वो आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए जो कैटेगरी मैंने बोली है लगा सकते हैं वो लगा ले, जिनको मैंने बोला है कि थोड़ा सा 2-3 वीक वेट कर लो उनके लिए एडवाइस है स्ट्रांगली कि वेट कर लो और फाइनेंशियल पे ध्यान रखो। लास्ट में मैं गोल्डन एडवाइस देता हूँ, बहुत से लोग ना अभी भी फंड 5 लाख है इसको 10 लाख करना, एकदम से पैसा डलवाते हैं और फाइल लगा देते हैं। कुछ के ये रीजन ही हाईलाइट होके आ रहे हैं कि आपके जो फंड है वो रीसेंट है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखो। बाकी जो डिटेल में जो बात करनी हो किसी और वीडियो में आपको और टिप्स मैं दे दूंगा, जिसमें प्रॉपर एप्लीकेशन को लेके A to Z में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो उसके लिए बाद में कभी वीडियो बना लेंगे, बहुत वीडियो लंबी हो जाएंगी। तो अभी के लिए यही था, इंपॉर्टेंट एडवाइस थी। सो काफी लोगों को जो है वीडियो जो है उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो और वीडियो के लिए आप चैनल पे सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।